आगे हम बात करेंगे, और भी कुछ नेता है बीजेपी के विधायक यहाँ पर बने हुए हैं। निरंजन जी हमारे इस वक्त साथ में है, विधान परिषद के ये विधायक है। निरंजन जी, आप जश्न की किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं और अगला कदम क्या होने जा रहा है, कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, शपथ विधि और इसके लिए कब तक आप दावेदारी करेंगे? निश्चित ही ये प्रक्रिया आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरी होगी। जो 2.5 साल पहले लोगों ने जो जनमत दिया था, जो आशीर्वाद माननीय फडणवीस साहब को उस समय दिया था, आज वही जन आशीर्वाद निश्चित ही आने वाले समय में सच होगा और वो आशीर्वाद निश्चित ही महाराष्ट्र को विकास की तरफ ले जाएगा। निरंजन जी, आप जिस थाने से आते हैं, जिस थाने में आप रहते हैं और थाने का काम आप संभालते हैं बीजेपी का, आपने वहाँ पर भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब थाने में आपको एक नया कद्दावर साथी मिल रहा है एकनाथ शिंदे के रूप में, तो कैसे ये जोड़ी विकास क्या काम को लेकर आगे बढ़ेगी देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छी तरह से थाने जिला में काम कर ही रहा था, पर निश्चित आने वाले समय में थाने का और विकास ये माननीय फडणवीस साहब के नेतृत्व में होगा, ऐसा विश्वास हम सभी को है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम नेता और बीजेपी के विधायक यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार उनमें काफ़ी जो है खुशी है।